स्वागत है आपका द हिमालयन स्टेट यूट्यूब चैनल पर। हम आशीष कुमार स्तोगी आज आपके सामने हम लेटेस्ट न्यूज लेकर आए हैं। उच्च प्राथमिक स्कूलों में 2021 में भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होगी, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें आप लोग। तो इसमें हम देखते हैं आगे। देखिए आपके सामने लिखा है उच्च प्राथमिक स्कूलों में भर्ती 7 साल बाद लाखों अभ्यर्थियों को अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल की सीधी भर्ती शामिल होने का मौका मिलेगा। यानी कि 2021 में उच्च प्राथमिक स्कूलों में यानी कि काफ़ी लंबे समय के बाद जो है भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होगी। और इसमें नीचे लिखा है 2013 में 29,334 विज्ञान और गणित की शिक्षक भर्ती हुई थी, यानी कि 2013 में एक भर्ती हुई थी और इसमें शिक्षक रखे गए थे विज्ञान और गणित के, और इसमें पदों की संख्या थी 29,334। इसके बाद से कोई भी भर्ती प्रक्रिया नहीं हो पाई है उच्च प्राथमिक स्कूलों में। जो लोग टेट की परीक्षा पास कर चुके हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी है कि 2021 में उच्च प्राथमिक स्कूलों में नई वैकेंसियाँ आएंगी। और जो लोगों ने यानी कि जिन लोगों ने UPTET पास नहीं करा है वह जल्द से जल्द इस परीक्षा को पास कर लें, क्योंकि इसके बाद ही ये भर्ती आपकी हो पाएगी। ये आप मान के चलिए कि UPTET होने के बाद ही जल्द से जल्द आपकी ये वैकेंसी आ जाएगी। और इसके बाद लिखा है उत्तर प्रदेश में 24,000 पद रिक्त हैं, यानी कि इस समय जो है यानी कि वर्तमान समय में 24,000 पद रिक्त हैं। और ये जो आपके रिक्त पद हैं ये 3,082 एडेड जूनियर हाई स्कूलों में हैं। ये यानी कि कितने विद्यालयों में 3,082 एडेड हाई स्कूल में ये भर्ती खाली है आपकी, यानी कि 24,000 पद। अब इसमें गवर्नमेंट जो भी निकाले पद इसमें जितने अपने अपने हिसाब से समझें ये लोग, लेकिन इसमें भर्ती प्रक्रिया आपकी होगी और आपके काफ़ी पद इसमें आपको मिलेंगे 2021 में। और इसके बाद लिखा है कि 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी पास कर चुके हैं उच्च प्राथमिक स्तर का UPTET, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान कंडीशन है हम आपको उसके हिसाब से बता रहे हैं कि 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी उच्च प्राथमिक स्तर का UPTET पास कर चुके हैं, ये मान के चलिए आप ये। और अगर 2021 में UPTET होगा तो ये जो है UPTET पास करने वालों की संख्या और बढ़ जाएगी, इसलिए अपनी तैयारी आप प्रारंभ कर दें और इस वाली परीक्षा को आप हल्के में ना लें, क्योंकि आप जानती हैं कि 7 साल बाद भर्ती हो रही है, इसके बाद पता नहीं कब ये भर्ती होगी, इसलिए आप लोग इस मौके को ना छोड़ें। तो ये ध्यान रखें आप कि उच्च प्राथमिक स्कूलों में यानी कि कितनी वैकेंसियाँ निकलेंगी, लगभग 24,000 के आसपास पद रिक्त हैं और 3,082 एडेड जूनियर हाई स्कूलों में। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी मिल जाए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे हम आगे भी इसी प्रकार की नई नई अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से देते रहें। और जो कैंडिडेट नए हों वह सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे इस चैनल को, और हमारे इस चैनल को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और देखते रहिए आप लोग हमारा चैनल द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।